दोस्तों, पिछले दो शताब्दियों में पृथ्वी पे इतनी बड़ी बड़ी खोजें हुई कि उन्होंने पूरे मानव जाति को बदल के रख दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसने कई बहुत से बड़े बड़े सवालों को जन्म भी दिया, जिसका सही जवाब पाने के लिए पूरा विज्ञान जगत उत्सुक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के सात सबसे बड़े सवालों के बारे में, जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? माना जाता है कि करीब 4 अरब वर्ष पहले किसी अज्ञात कारण की वजह से समुद्र में मौलिक आदि में द्रव्य में एक हलचल उत्पन्न हुई और बायोकेमिकल के आपस में मिलने से कई तरह का जीवन बनना शुरू हुआ। कुछ सिंपल से रसायन एक दूसरे से मिल गए और जीवन का आधार बनाया। मॉलिक्यूल्स प्रकृति बनाने में सक्षम रहे। हमारा और समस्त जीवन इन्हीं मॉलिक्यूल्स के विकास से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये सरल मूलभूत रसायन कैसे, किस प्रक्रिया से इस तरह जमा हुए कि उन्होंने जीवन को जन्म दिया? डीएनए कैसे बना? पहली कोशिका कैसी थी? स्टैनली मिलर के प्रयोग के 50 वर्षों के बाद भी वैज्ञानिक एकमत नहीं है कि जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ। कुछ कहते हैं कि यह धूमकेतुओं से आया, कुछ के अनुसार यह ज्वालामुखी के पास के जलाशयों से प्रारंभ हुआ, कुछ के अनुसार वह समुद्र में उल्कापात से प्रारंभ हुआ, कुछ के अनुसार हम एलियंस के वंशज हैं। लेकिन असल में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो दोस्तों, शायद नहीं। खगोल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के हर उस कोने को मंगल ग्रह और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा से लेकर कई प्रकाश वर्ष दूर तारों तक खंगालना चाहते हैं, जहां जीवन के मूलभूत आधार द्रव्य जल की उपस्थिति संभव हो। कई रेडियो दूरबीन ब्रह्मांड के हर भाग से आते हुए रेडियो संकेतों को खंगालने में लगे हैं, लेकिन 1977 के वाओ सिग्नल के अतिरिक्त कोई और सफलता हाथ नहीं मिली है। खगोल वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल से कई प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों के वातावरण में जल और ऑक्सीजन की जांच करने में सफल हो गए हैं। हमारी मिल्की वे मंदाग्नि आकाशगंगा में जीवन योग्य 60 अरब से भी ज्यादा ग्रह हैं, जिन पर परग्रही जीवन की तलाश में अगले कुछ दशक काफी रोमांचक साबित होंगे। तीसरा सवाल है, क्या समय यात्रा संभव है? आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के यात्री समय यात्रा कर चुके हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में समय गति धीमी हो जाती है। वर्तमान में यह प्रभाव अत्यल्प है, लेकिन गति बढ़ा दीजिए और इसी प्रभाव से मानव भविष्य में एक दिन सहस्त्र वर्ष की यात्रा कर पाएगा। प्रकृति शायद भूतकाल में यात्रा करने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन भौतिक विज्ञान के अनुसार वार्म होल और अंतरिक्ष यानों से यह संभव है। सैद्धांतिक रूप से समय यात्रा संभव है, लेकिन तकनीकी विकास में समय लग सकता है। चौथा सवाल है, सारे कार्बन को कहाँ ठिकाने लगाया जाए? पिछली दो शताब्दियों से हम जैव ईंधन को जलाकर अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे हैं। यह कार्बन पृथ्वी के सतह के नीचे तेल और कोयले के रूप में दबा था। अब हमें इन सारे कार्बन को पृथ्वी के वातावरण से हटाना होगा, अन्यथा हमें बदलते वातावरण के खतरों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। यह खतरा इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट कर सकता है। हमें ऊर्जा निर्माण के वैकल्पिक मार्ग ढूंढने होंगे, जो हमारी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, वरना आने वाले 50 से 100 सालों में पृथ्वी पर जीवन का विनाश निश्चित है। पांचवा सवाल है, जनसंख्या विस्फोट का क्या हल है? वर्तमान की 7 अरब जनसंख्या 1960 की जनसंख्या से दोगुनी है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2050 में यह 9 अरब पार कर जाएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या कहाँ रहेगी, और निरंतर बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन और ईंधन कहाँ से आएगा? शायद हम कुछ भाग को मंगल पर भेज दें, कुछ भाग के लिए भूमिगत शहरों का निर्माण कर पाए। भोजन के लिए प्रयोगशालाओं में मांस का निर्माण हो सकता है। फिलहाल तो यह एक विज्ञान फैंटेसी लगता है, लेकिन अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। छठवां सवाल है, सागर के तल में क्या है? आपको बता दें कि समुद्र का 95% भाग अब भी अज्ञात तथा अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ क्या है, यह शायद किसी को भी नहीं पता। 1960 में इस प्रश्न का उत्तर पाने डॉन वॉल्स और जैक पिकार्ड समुद्र की सतह से 7 मील तक नीचे गए थे। यह प्रयास मानव प्रयत्नों की पराकाष्ठा थी, लेकिन वे सागर की तलहटी पर जीवन की सिर्फ एक ही झलक देख सके थे। सागर की तलहटी पर पहुँचना इतना कठिन है कि हम वहाँ पर मानव रहित वाहन ही भेजते हैं। सागर तलहटी पर अभी तक की गई आश्चर्यजनक खोज, जैसे बेरिलेई मछली जिसका सर पारदर्शी होता है, वह अल्जीमर बीमारी की चिकित्सा में प्रयुक्त हो सकती है। समुद्र में की गई इस तरह की नई खोजें इस मायावी दुनिया का अल्पांश मात्र है। अभी तो इस अथाह समुद्र के बहुत से रहस्यों में पर्दा उठाना बाकी है। सातवां सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है?
दोस्तों ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आप इसके आकार का अनुमान नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि आपने अनुमान लगा भी लिया कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, पर आपके अनुसार जहां ब्रह्मांड का अंत होता है उसके आगे भी कोई पदार्थ तो जरूर होगा। इसी प्रकार अगर हम सोचते जाएं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो यह इससे ज्यादा फैलता जाएगा। दोस्तों विज्ञान के अनुसार 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ और एक बिंदु से सारे मैटर का निर्माण हुआ। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, यह सभी बिग बैंग की वजह से ही संभव हो पाया है। बिग बैंग के बाद से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और सभी आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं। इससे वैज्ञानिक यह तर्क लगाते हैं कि यह सभी मैटर एक कण के रूप में थे और बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या और भी ब्रह्मांड है, और अगर दूसरे ब्रह्मांड है तो और कितने ब्रह्मांड है, क्या उन ब्रह्मांडों के भी महाब्रह्मांड है? तो दोस्तों शायद हमें इन सभी सवालों के जवाब कभी नहीं मिले, क्योंकि हम ब्रह्मांड में एक तय सीमा तक ही देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे विज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।